अरे यार, तुमसे कम बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तुम मत करो यूट्यूब। जी दोस्तों, बिल्कुल। अगर आप एक नया यूट्यूबर हो तो आपको यही चीजें ज्यादातर लोगों से सुनने को मिलता है, जो कि शुरुआत के टाइम में जब आप अपना वीडियो बनाना स्टार्ट करते हो, जब शुरुआत में आप अपना वीडियोस को बनाते हो, उस टाइम आपके आसपास में, आपका फ्रेंड सर्कल में, आपका फैमिली मेंबर्स में से बहुत सारे लोग ऐसे होता है जो कि आपको बताते हैं कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, आप एक अच्छा यूट्यूबर नहीं बन सकते हो। क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजंस भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ऐसे लग सकता है कि आप एक कैमरा शाई हो। बहुत सारे लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि इतना फ्रिक्वेंटली, इतना अच्छा से नहीं बोल पाते। बहुत सारे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम्स होता है कि वो इतना कैमरा फ्रेंडली होकर, कैमरा के सामने खड़ा होकर बोलने में हिचकिचाते हैं, या तो उनको फंबलिंग, यानी कई बार क्या हो जाता है, हम बिना कुछ रीजन पर भी हम अटक जाते हैं बोलने के टाइम पे, हमें कुछ हिचकिचावट महसूस होता है। तो दोस्तों, क्या ऐसे हम कर सकते हैं जिससे कि ये सारे चीजें हमारा हट जाए और हम जो हमें जो लोग कहते हैं ना कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, उनको हम बता सके नहीं, ये काम हमसे हो पाएगा और हम लोग बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे एंड एक अच्छा जगह पर हम अपना यूट्यूब चैनल कर लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि हमें अपने आप को ग्रो करना है। क्योंकि दूसरे लोगों के बातों पे आकर चलना बहुत आसान होता है, बट उनका बातों को साइड करके अपने आप को आगे बढ़ाना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो गलतियां हमेशा ज्यादातर लोग करते हैं, इवन मैंने भी किया था, क्योंकि मैंने 2018 में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। 2019 पे आकर मेरे को बहुत सारे लोगों ने, इवन ज्यादातर मेरा कॉलीग्स ने मेरे को डीमोटिवेट करना स्टार्ट किया। तो मैंने इस टाइम क्या हुआ, मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूं, एंड उसके बाद छोड़ दिया। एंड पिछले 6 महीने में मेरे को मोर देन 1000 सब्सक्राइबर मिला है। इट्स ऑल्सो नॉट इन 6 मंथ, मे बी 4 महीने। मैंने नवंबर से फिर से शुरू किया एंड अब तक मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला है एंड मेरा चैनल मोनिटाइज भी हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे में एक चीज तो मेरे को सीखने को मिला है कि कोई भी काम करना है ना, वो दिल से करो। दूसरे के बातों पे अगर सुनोगे तो आपका परफॉर्मेंस खराब होगा। तो ऐसे में अपना वीडियो पे अपना क्या ऐसी चीज हम कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी बात आप करते हो, इवन मैं भी आप लोगों से बात कर रहा हूं, ये वीडियो बिना एडिट करे हुए मैं डालूंगा। तो दोस्तों, इसमें दिक्कत क्या आता है कि हम कई बार कैमरे के सामने हिचकिचाते हैं, बोलने में कई बार हम अटक जाते हैं। तो इसके लिए सबसे मेन मुद्दा होता है कि हम जिस मैटर पर बात करने जा रहे हैं उसको कई बार हम प्रैक्टिस नहीं करते। कई बार हमें वीडियो का टॉपिक्स नहीं मिलता है तो हम एकदम से कुछ भी बोलने से हिचकिचाते हैं, हम कुछ भी बोलने से रुकते हैं। एंड इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम ऐसे लगता है कि हमारा वीडियो खराब हो जाएगा। बट दोस्तों, इसमें ऐसे नहीं होना है। इससे क्या दिक्कत होता है कि आप अपना परफॉर्मेंस को खराब कर देते हो। सबसे बेस्ट चीज क्या होगा, आप अपना मोबाइल के सामने, मोबाइल को लगाइए अपना ट्राइपॉड में, सामने खड़ा हो जाइए। दिन में अगर आपको एक वीडियो डालना है, बट आप 10 बार बोल तो सकते हो ना। वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए, डिलीट कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, डिलीट कीजिए। क्योंकि आप बार बार कोई भी चीज को प्रैक्टिस करते हो तो ऑब्वियसली आपके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स हट जाता है। अब जो फंबलिंग वाले मैटर होता है, जिस भी मैटर पर आप बात करने जा रहे हो उस मैटर पर थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। मे बी आप 10 या 15 मिनट या तो हाफ एन आवर उस मैटर पर पहले आप रीड कर लीजिए। अगर आपके पास कोई डेटा है, अगर आप किसी डेटा को एनालाइज करके कुछ बताने जा रहे हो तो उस डेटा को पहले थोड़ा एनालाइज कर लीजिए, उस डेटा को थोड़ा पहले रीड कर लीजिए एंड उसके बाद आप उस मैटर पर बात कीजिए। तो दोस्तों, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपको बहुत हाई होगा। एंड जहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, उस जगह पर आपका वीडियो को, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, शुरुआत में क्या दिक्कत होता है, मेरे साथ भी दिक्कत होता है कि 50 व्यूज आ रहे हैं, 60 व्यूज आ रहे हैं, बट दोस्तों 50 व्यूज भी काफी होता है। क्योंकि शुरुआत के टाइम पे आपको अगर 10 बंदे भी देख रहे हैं, यूनिक 10% अगर आपको देख रहे हैं तो बहुत है, क्योंकि आपका वीडियो कोई तो देख रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, आपके वीडियो में ऐसे कुछ खास है कि किसी एक पर्सन भी अगर देखते हैं, उसका मतलब आपके वीडियो में कुछ है जो कि किसी और का हेल्प कर सकते हैं।
सबसे पहले हमें YouTube पे पैसे से ज्यादा जो चीजें ध्यान में रखना जरूरी होता है कि हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं, हम क्या ऐसे इंफॉर्मेशन औरों को दे सकते हैं जिससे दूसरे को काम आए। तो ऐसे में दोस्तों प्रैक्टिस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जब भी टाइम मिलता है थोड़ा बोलना प्रैक्टिस कीजिए। एक बार, दो बार, चार बार बोलेंगे, मैटर को अच्छे से ध्यान में रख के बोलेंगे, बार बार बोलते रहेंगे तो आपका जो कैमरा शाइननेस है वो हट जाएगा, माइक के सामने फ्रीक्वेंटली आप बोल पाएंगे। एंड ऐसे ही जितना बार आप करते रहेंगे, ऐसे ही जितना अच्छा से आप करते रहेंगे, उतना ही आप सक्सेस के रास्ते में आगे बढ़ेंगे। एंड जो लोग आपको कहते थे तुमसे ये चीज नहीं हो पाएगा, उनको बोलिए कि आप जब पहला दिन कोई भी बच्चा नहीं चलना जानता है तो उसको धीरे धीरे बहुत सारे चीजें स्टेप्स के बाद वो सीखते चलना या तो बोलना। तो ऐसे में दोस्तों एक यूट्यूबर भी शुरुआत से एकदम से जो है एक मिलियन में सब्सक्राइबर उनका नहीं जाता है, काफी दिनों के बाद बहुत सारे प्रैक्टिस के बाद उनका आगे चैनल बढ़ता है। तो ऐसे में डीमोटिवेट मत होना एंड अच्छे से प्रैक्टिस करना एंड वीडियो डालते रहना, आप भी सक्सेसफुल बनोगे। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। तो दोस्तों आशा रखता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।